नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट में जितनी अहमियत बल्लेबाजी और गेंदबाजी की है उतनी ही जरूरी है एक बेहतरीन फील्डिंग। कहा जाता है कि कैच जिताते हैं मैच। आप लोगों को बता दूं कि भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा मैदान पर इतने खतरनाक क्यों हैं और विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को उनसे खौफ क्यों लगता है, ये बात उनकी बेहतरीन फील्डिंग से साबित होती है। जडेजा ने इस साल की शुरुआत में क्राइस्ट चर्च के मैदान पर ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसने क्रिकेट के इतिहास की ऑल टाइम बेस्ट कैचों की याद दिला दी थी। इस मैच में फाइन लेग पर खड़े जडेजा ने नील वैगनर का खतरनाक कैच लपक कर हर किसी को हैरान कर दिया था और उनके इस कारनामे से ना सिर्फ वहां मौजूद दर्शक बल्कि कमेंटेटर भी हैरान रह गए थे। इतना ही नहीं, बहुत से पूर्व खिलाड़ियों ने तो रविंद्र जडेजा के इस कैच को पक्षी फ्लाइट और सुपरमैन की उपाधि दे डाली थी। जडेजा ने हवा में उछलते हुए गेंद को लपका और नीचे गिर गए, लेकिन गेंद उनके हाथ से ही चिपकी रही। इस कैच के दौरान इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन नासिर हुसैन कमेंट्री कर रहे थे और जडेजा का ये कारनामा देखकर उन्होंने इस कैच को ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कैचों में से एक करार कर दिया था। तो भैया चलिए, इस वीडियो में हम आपको क्रिकेट के इतिहास की सबसे बेहतरीन कैचों के बारे में बताते हैं। पहले नंबर पर विराट कोहली का जानदार कैच। 2020 की शुरुआत में टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए वनडे मैच में कैप्टन विराट कोहली ने मार्नस लबुशाने का कैच पकड़ा था, जहां रविंद्र जडेजा की बॉल पर लबुशाने ने कवर ड्राइव खेला था तो विराट ने तेजी से जानदार कैच पकड़ लिया था। दूसरे नंबर पर साल 1983 वर्ल्ड कप फाइनल में कपिल देव का कैच। साल 1983 का वर्ल्ड कप मुकाबला भला कौन भूल सकता है। फाइनल में भारत की टीम ने वेस्टइंडीज के सामने सिर्फ 184 रन का लक्ष्य रखा था। टीम इंडिया और जीत के बीच की दूरी बढ़ रही थी, मगर टीम के कैप्टन कपिल देव ने सर विवियन रिचर्ड्स का बेहतरीन कैच लेकर मैच का पूरा रुख ही बदल दिया। मदन लाल की गेंद पर विवियन रिचर्ड्स ने मिड विकेट बाउंड्री की तरफ शॉट मारा था। हवा में उड़ रही गेंद को कपिल देव ने पीछे दौड़ते हुए लपक लिया और इस तरह कपिल ने रिचर्ड्स की पारी का अंत कर दिया था। तीसरे नंबर पर मोहम्मद कैफ का कैच। ये बात साल 2004 की है, जब भारत की टीम पाकिस्तान के दौरे पर थी। वनडे सीरीज का पहला मैच कराची में चल रहा था। मैच अपने पूरे रोमांच पर था। 350 रनों की लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान की टीम को 8 गेंदों में 10 रन की जरूरत थी। तब जहीर खान ने की बॉल पर शोएब मलिक ने चौका मारने की कोशिश की, मगर मोहम्मद कैफ ने तेजी से मैदान को कवर करते हुए हेमंग बदानी से पहले ही इस कैच को पकड़ लिया। अंत में इंडिया ने ये मैच 5 रन से जीत लिया था। चौथे नंबर पर कौशल सिल्वा का रिप्ले कैच। साल 2014 में श्रीलंका के कौशल सिल्वा ने एक कैच लिया था जो ऑल टाइम ग्रेटेस्ट कैचों में शामिल है। यहाँ मिली पॉइंट पर तैनात सिल्वा ने डाइव लगाते हुए पाकिस्तान के यूनिस खान के कैच को लपका और बड़ी तेजी से संतुलन बनाते हुए गेंद को कीपर की ओर फेंका, जिसे कीपर ने आसानी से कैच कर लिया था। पांचवें नंबर पर एबी डिविलियर्स का स्पाइडरमैन कैच। साल 2018 आईपीएल के एक मैच में एबी डिविलियर्स ने एलेक्स हेल्स के शॉट को सिर्फ 6 रन में बदलने से ही नहीं रोका था, बल्कि उसे बेहतरीन तरीके से लपक भी लिया था। उनकी इस कैच के बाद विराट कोहली ने डिविलियर्स को स्पाइडरमैन बता दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।